नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो ये खिड़की के ऊपर छज्जा बनाया जाता है, या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं वेंटिलेटर के ऊपर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छज्जा बनाया गया है, इसके बावजूद आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपर में भी दोस्तों यहाँ पे जो है वो कैंटिलीवर स्लैब दिया गया है। तो आखिरकार क्या ये तीनों देना आवश्यक है? साथ ही साथ इनके अलग अलग क्या क्या रोल हैं और साथ ही साथ दोस्तों इनको देना कितना जरूरी है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे ऊपर वाले छज्जे की। तो दोस्तों ये वाला जो छज्जा है इसका दो काम है। सबसे पहले दोस्तों ये आपके जो घर का लुक है, जो एक्सटीरियर डिजाइन है, उसमें मदद करता है। दूसरी चीज है दोस्तों जो बरसात का पानी आता है डायरेक्ट दीवार पे। तो दोस्तों अब हमारे पास एक सवाल आता है कि क्या हम ऊपर वाला जो छज्जा या कैंटिलीवर स्लैब है उसको दे दिए हैं तो क्या ये विंडो सनसेड है, इसको देना आवश्यक है क्या? दोस्तों आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए कि अगर ये खिड़की है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो छज्जा नहीं दिया जाएगा, देखने में कैसा लगेगा दोस्तों, ये आप एक इमेजिन कीजिए। किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि बिना छज्जा के खिड़की पसंद आ रहा होगा। तो पहला काम इसका है पानी जो ऊपर से आएगा दोस्तों, अगर ये छज्जा ना भी रहे तो भी क्या करता है, विंडो सनसेड हमारे खिड़की पे पड़ने वाला जो पानी है उसको रोकता है। दूसरा चीज है दोस्तों, चूंकि आप देख सकते हैं कितना डिजाइन बनाया गया है इसमें, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर, ये जो ट्रेंगुलर डिजाइन बनाया गया दोस्तों, ये इसके खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आप डायरेक्टली ये वाला जो स्लैब है, कैंटिलीवर स्लैब है, इसको भी रखते तो आपका पानी आता वो बच जाता, लेकिन दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है ये इसके खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो इसका भी दोनों काम है, ऊपर वाले का भी दोनों काम है। ये चीज बहुत से लोग गलती करते हैं, आपको इसमें नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, खिड़की में तो छज्जा लगवा देते हैं, ऊपर में लगवा देते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है बाथरूम के वेंटिलेटर की या फिर वेंटिलेटर के ऊपर छज्जा लगाने की दोस्तों, तो बहुत से लोग इसमें भूल करते हैं, वो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, अगर आपका खिड़की खुला है दोस्तों, पानी आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे गिरने के बाद दोस्तों अंदर की तरफ छींटा जाता है, और इतना ही सा दोस्तों आप देख रहे हैं कि बस 6 इंची का इस तरह से दोस्तों स्लैब निकाला गया है बाहर की तरफ, तो जो छींटा जाने वाला प्रॉब्लम है दोस्तों वो इस चीज से गायब हो जाती है। आप चाहें दोस्तों तो इस पे भारी भरकम इसके जैसा जो है वो विंडो सनसेट के जैसा दोस्तों यहाँ पे कोई छज्जा इस तरह से डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, हल्के में दोस्तों इसको काम आप चला सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट दोस्तों करना भी घर की खूबसूरती के अनुसार, आप देख लीजिए कि आपका जो यहाँ पे देखिए दो तरफ से दोस्तों छज्जा है, बीच में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है वो एक्सटीरियर का काम चलेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। वैसे दोस्तों ये नॉर्मल घर में भी ये 6 इंच तो बाहर ये चाहिए ताकि आपके अंदर में पानी ना जाए। खूबसूरती के अनुसार दोस्तों आप जो है वो आपका घर का लुक है उसके अनुसार भी इसके डिजाइन को भी चेंज किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं, इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।